हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। कप्तान रोहित का बड़ा ऐलान, यशस्वी जायसवाल संभालेंगे ओपनिंग की कमान। जी हाँ, रोहित शर्मा ने बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने निकल कर आई है, वहां पर उन्होंने प्लेइंग 11 लगभग साफ कर दी है और बताए हैं क्या चेंजेस होने वाले। तो सारी की सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले। तो अब बात करते हैं आखिर क्या कहा है रोहित ने, क्या क्या चेंजेस करने वाले। तो सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि अब आपको शुभमन गिल ओपनिंग में नजर नहीं आने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। शुभमन गिल नंबर 3 पे आने वाले हैं। जी हाँ, शुभमन गिल अब ओपनिंग नहीं करेंगे टीम इंडिया के लिए, वो नंबर 3 खेलेंगे। क्योंकि टीम इंडिया काफी लंबे समय से ये प्रयास कर रही थी कि शुभमन गिल को मिडल ऑर्डर में ही खिलाया जाए, और अब चेतेश्वर पुजारा के बाहर होने के बाद उनकी वो जगह मिडल ऑर्डर में बन गई है। अब दूसरा जो चेंज है वो है यशस्वी जायसवाल को लेकर। यशस्वी जायसवाल को पहली बार तो उनका डेब्यू कराया जाएगा और उनको ओपनिंग दी जाएगी। जैसा कि हमने बताया आपको, शुभमन गिल नीचे बैटिंग करेंगे, जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। यानी ये दो मोटे मोटे चेंजेस हो गए। उसके बाद 4 नंबर आप देखेंगे विराट कोहली आएंगे, 5 पे अजिंक्य रहाणे आएंगे, 6 पे रविंद्र जडेजा आएंगे, 7 पे KS भारत या ईशान किशन। हालांकि रोहित शर्मा ने इसका साफ कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है रोहित शर्मा का मन, जो लोगों के अंदर से खबरें आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी माना जा रहा है कि खेल जाएंगे ईशान किशन। KS भारत को अब मौका शायद नहीं देने वाली है टीम इंडिया। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो खबरें आ रही है उसके अकॉर्डिंग शायद अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन दोनों ही खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है। टीम इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाने वाली है यहाँ पर भी जाके। और अगर हम पेसर्स में देखेंगे तो मोहम्मद सिराज का प्लेस जो है वो कन्फर्म है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं मुकेश कुमार, उनकी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है वो खेल जाएंगे। और अगला जो नंबर होगा वो नवदीप सैनी, जयदेव उनादकट या शार्दुल ठाकुर, इन तीनों में से एक खिलाड़ी है जो आपको उस प्लेइंग 11 में नजर आएगा। और इस टेस्ट मैच की बात करें तो अभी से 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। यानी आज तारीख है 11 तारीख और कल 12 तारीख को 8 बजे से आप वो मैच देख पाओगे। तो देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया किस प्रकार से मैच में उतरती है। प्लेइंग 11 हमने बता दिया आपको। तो ये सारी की सारी न्यूज थी फिलहाल। अब देखते हैं क्या रोहित शर्मा इस मैच को जीत पाते हैं या फिर नहीं।